हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल देसी मिजाज पे। मैं हूँ प्रिया। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा गोल्ड ब्लीच, बिना किसी केमिकल के। आप डरिए नहीं, मैं कोई केमिकल ब्लीच के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हम घर में बनाएंगे और वो भी आलू से, और वो भी गोल्ड ब्लीच। जी हाँ, इसका इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल गोल्ड ब्लीच की तरह ही मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे, अभी अभी मैंने इसको यूज किया है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे भी कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिप बाम जो लगा हुआ था और वो वही रह गया है। और आप मेरे फेस को देख सकते हैं, इस पर एक ग्लो है, एक साइन है, एक टाइटनेस है, एक सॉफ्टनेस है। मतलब बहुत ही स्किन मेरे को अपने आप में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसको मैंने हाथ पे भी यूज किया है, आप देख सकते हैं। तब आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें, तभी आपको विश्वास होगा। और आप लगातार अगर 15 दिन करते हैं, उसके बाद तो मतलब गजब के रिजल्ट आने वाले। और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम लेंगे ये 2 आलू, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आलू हमें कच्चा ही लेना है, इसका हमें ध्यान रखना है। अच्छे से धो करके आप छील लें, उसके बाद ग्रेट करें। ये आलू हमारा ग्रेट हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से दबा दबा कर इसका जूस निकाल लेंगे। ये जो आलू का पल्प बच गया है, इसको आप फेंके नहीं, इसमें आप बेसन वगैरह मिला करके या फिर चावल का आटा मिला करके फुल बॉडी स्क्रब कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये देखिए, यहाँ पे जूस हमारा मिल गया है, जूस हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कुछ देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट इसको आप छोड़ दें। उसके बाद आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। इसको यूज करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपका स्किन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यानी कि आपके स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस भी कितना डल दिख रहा है। मैं अभी फेस वॉश करके आ जा रही हूँ, उसके बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, मेरा स्किन बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, ये आलू के जूस को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको आप ऊपर से जो पानी है उसको आप दूसरे बोल में डाल लीजिए। ये देखिए, नीचे बिल्कुल आपको वाइट वाइट सा इसका आलू का स्टार्च दिख रहा है, यही हमारा ब्लीच का काम करेगा। तो इस पानी को हम हटा देंगे अभी, और ये हमारा मेन ब्लीच, इसको हम यूज करेंगे। आप देखिए ये कितना गाढ़ा है। ये देखिए, गाढ़ा गाढ़ा सा है बिल्कुल, वाइट वाइट। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, अब हम इसमें मिलाएंगे ये हनी, लगभग 1 छोटा चम्मच। बस काफी है। साथ में हम मिलाएंगे ये हमारे पास वाइल्ड टर्मरिक, दिखाती हूँ। ये आप फेस में लगाने के लिए किचन का हल्दी यूज ना करें, कोशिश करें कि वाइल्ड टर्मरिक ही यूज करें या कस्तूरी हल्दी। आपको ये अगर लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप इसका ले सकते हैं।
एक चुटकी, बस इस तरह से एक चुटकी आपको लेना है, ये देखिए बस एक चुटकी, और इसमें अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा ये गोल्ड ब्लू। और अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा ये लेमन जूस, कुछ ड्रॉप। बस आपको मैं बता दूं, नींबू बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग का काम करता है, ये आपके रंग को निखारता है, गोरापन देता है, तो इसको आप यूज में ज़रूर लाएं। अब इसको लगाने से पहले आप एक तो बालों को बांध लें और चाहे तो हेयर बैंड लगा सकते हैं इस तरह से। अच्छी तरह से ब्लीच को मिक्स कर लीजिए और आप हाथों से ही इसको पूरे फेस में लगा लें। कोई भी पैक लगा रहे हो फेस पे तो हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगाया करें। इसको आप आराम से आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं, ये डार्क सर्कल वगैरह में भी बहुत ही फायदा करता है। पूरे फेस में अच्छे से लगा लें, तो आप गले पे भी लगाएं। आप चाहें तो इसको फुल बॉडी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ही हाथ में आपको लगाकर दिखाती हूँ। से आपको डिफरेंस पता चलेगा दोनों हाथों में। और अगर आपका ये पेस्ट गाढ़ा लगे तो जो हमने आलू का रस छाना है उसी को थोड़ा सा मिला लें। मैंने आधे हाथों में अच्छी तरह से लगा दिया है इसको, और अब मिलती हूँ आपसे 20 मिनट के बाद। इसको लगाकर आप 20 मिनट ज़रूर रखें, सूख जाए तो फिर आप इसी को हल्का सा ऊपर ऊपर से लगा देंगे और फिर फेस वॉश करेंगे। ये इसमें चूँकि हनी पड़ा हुआ है तो ये अभी थोड़ा सा स्किन को टाइट करेगा, आपको पता ही है स्किन के लिए हनी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं ऑयली स्किन को हनी सूट नहीं करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप इसके जगह हनी के जगह आप दही थोड़ा सा मिला लें, एकदम गाढ़ा दही। और अब मैं बता दूं कि जब भी आप पैक लगाते हैं तो उसके बाद आप बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि हनी है तो आपकी स्किन को टाइटन करेगा। तो टाइट करने के बजाय अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी स्किन में और रिंकल्स ला सकता है, इसलिए आप लगाने के बाद बिल्कुल ना बोलें। तो अभी मैं बता रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, अभी मेरा गीला है इसीलिए, वरना मैं इसको लगा करके 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और इस पर आप एक दो लेयर गीले में ही और लगा सकते हैं, चूँकि ये गीला है तो बहुत अच्छी तरह से तो बार एक बार में नहीं लगता है, इस तरह से लगा लें।
फेस वॉश करके आ गई हूँ। आप देख सकते हैं स्किन कितना क्लियर लग रहा है। इसके बाद आप चाहें तो टोनर यूज करें, आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यूज करती हूँ ये फ्रिज का बिल्कुल ठंडा ठंडा रोज वाटर। अब मस्त लगता है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक बार इसको यूज करके ज़रूर देखें, आप इसके फैन हो जाएंगे। आप हमेशा यही ब्लीच लगाने वाले हैं और उसके बाद करवा चौथ में दिवाली में अपने चेहरे की बढ़ती हुई चमक को देखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।